खरगोन जिले कसरावत तहसील के ग्राम गोपालपुरा में शिक्षा के मंदिर और मुक्ति धाम के पास शराब बिक रही है। शराब के ठेकेदार अपना कारोबार खूब चला रहे हैं। वहीं ग्राम के मांगीलाल सेन ने बताया कि महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शराब पीने वाले वही रोड पर बैठकर ही शराब पीते हैं, जिससे महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस करती है और स्कूली बच्चों पर गलत प्रभाव का खतरा बना रहता है। मांगीलाल सेन का कहना है कि शराब की दुकान मंदिर मस्जिद स्कूल एवं धार्मिक स्थलों से दूर रहनी चाहिए। शासन को इस और ध्यान देकर शराब की दुकान को स्कूल से दूर लगवाए ताकि बच्चों का भविष्य खराब न हो। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। शराब दुकान खोली है स्कूल के पास, क्या कहना चाहेंगे इसमें? अरे क्या साहब, ये बंद क्या, सरकार कोई बंद नहीं करती है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, महिलाएं पालक महिलाएं छोड़ने जाती है, वो शराब दुकान पास में आ गई है, शराब पीने वाले नाटक करते हैं, टीचर लोग परेशान हो रहे हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं, बच्चे स्कूल का है वहाँ पे दो तीन ही बच्चे जा रहे हैं, पालक महिलाएं आती नहीं है, तो शराब पीते के लोग उनको गालियाँ देते हैं वहाँ। शराब दुकान वाले से कुछ इस संबंध बात हुई थी क्या? नहीं, शराब दुकान वाले क्या, अब उनका ठेका है भाई, उनको भी लगना चाहिए कि भाई स्कूल से दूर कर ले थोड़ा बहुत, भाई आगे जगह है ना, करो बच्चों थोड़ी आगे बढ़ा लो, उससे दुकान से कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है कि स्कूल के पास में आ गई हो दुकान। अच्छा, कुछ इसमें से शराब पी के कुछ आपस तो पदार्थ भी इधर फेंकेंगे? नहीं, ये तो नहीं है साहब, ये नहीं है, बाकी परेशानी गांव वालों की इसलिए है कि बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, वो महिलाएं छोड़ने जाती है, रास्ते में दो दो स्कूल है, देखो ना मेन रास्ता आ गया है, महिलाओं का निकलना होता है, दुकान आगे होना चाहिए। क्या नाम लिखते हो आप? मांगीलाल सेन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।